भाई चले, इनका तो सदर से इख्तलाफ है, आपके तो अपने हैं सदर साहब। वैसे बहुत शुक्रिया आपने शो के लिए बुलाया। जैसा कि मैंने बात सुनी, इनका भी कोई असूली मौकफ को प्रिंसिपल स्टैंड है? मैं तो हैरत ही है, मुझे हंसी आ गई कि इनका भी कोई प्रिंसिपल स्टैंड है। हमारा तो असेंबलियों से मैं उनमें से एक हूँ जिन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है, और हमने एक बात पे इस्तीफा दिया हुआ है कि ये एक बैरूनी साजिश के जरिए इनको यहाँ बिठाया गया। अच्छा, और हम बिल्कुल 100% कन्विंस्ड हैं। आज ही हमें किसी कोर्ट से कन्विंस कर दें कि ये बैरूनी साजिश में नहीं थी, हम असेंबलियों में आ जाएंगे। उसके अलावा सदर साहब का खिताब हो या कुछ और हो, हम असेंबलियों में नहीं जाना चाह रहे। दूसरा, इन्होंने कहा नहीं, आपके सेनेटर्स ही चले जाते सेनेट में। तो देखें, आप असेंबलियों को नहीं मान रहे, कौमी असेंबली के हद तक आपकी बात समझ आती है, लेकिन आपके सेनेटर्स जो हैं वो जा सकते थे, वो सेनेट के इजलास में तो वो जा रहे हैं। जॉइंट सेशन में दोनों जी, कौमी असेंबली भी और सेनेट भी है, और वो कौमी असेंबली की बिल्डिंग में होता है, और सारा हमारा इख्तलाफ बेसिकली इस सारी असेंबली पे भी है, हमारा इख्तलाफ इस इम्पोर्टेड हुकूमत पे भी है, और वो हमारा असूली मौका है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हम 5-6 महीनों से इस्तीफे दे के बैठे हुए, और इनका असूली मौकफ है कि हम में से इन्हीं सोचे हैं और आइन और कानून की बातें करते हैं कि वो हम उनके इस्तीफे एक्सेप्ट करेंगे। ऑडियो लीक के बाद तो समझ आ गई, राणा सनाउल्ला फैसला करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि कौन कौन सा पार्लियामेंट का मेंबर रहेगा और कौन सा, यानी आइन कानून इखलाकियात सियासत मोरालिटी का मजाक है ये हुकूमत, और ये हमें बातें सिखाएंगे। तो अब सदर साहब का खिताब, जो उस पर वज़रा का मौकफ आया और जो ये मौकफ दे रहे हैं, वो बड़ा अफसोसनाक है कि ये मीठा मीठा हापा और कड़वा कड़वा थू थू। सदर के पास चले जाते पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन और तादाद में बड़ी तरीन कैबिनेट, 75 लोग इन्होंने बिल्कुल मासी बेड़ा बनाया हुआ है। अच्छा। कि जे आंधा आई जाओ दिखाई जाओ, मुल्क में सैलाब है, इकॉनमी कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है। अच्छा, जहर खाने के पैसे नहीं है। लेकिन ये मीठा मीठा और कड़वा कड़वा तो आप, मैंने वही सेनेट वाली आपसे बात की, तो ये आप नहीं कर रहे कि सेनेट को जो है वो आप सही मान रहे हैं, और कौमी असेंबली को आप कहते हैं कि ये जो है वो जाली असेंबली है, या इस असेंबली को हम नहीं मानते। नहीं देखिए, हमने इस तरह नहीं कहा, जो गवर्नमेंट है ठीक वो सेनेट से नहीं बनती, वो असेंबली से बनती है। चलें ठीक, उसका असेंबली इलेक्टोरल कॉलेज है, सेनेट नहीं है। सेनेट एक अपर हाउस है, लेकिन हमारा इख्तलाफ इनके इनके इलेक्ट होने पर नहीं है, हमारा इख्तलाफ इनके हुकूमत बनने पे है, और वो हमें पता है कि इन्होंने बंदे खरीदे तोड़े, उधर से खत आए, खतों के बदले में, पहले तो खत भी नहीं मानते थे, वो भी मान गए कि चोरी आपको हो गई। इजाजत मिल गई है मुल्क का नाम लेने की? चोरी? अच्छा। नहीं मिल गई जब हमने, अब आप लें मुल्क का नाम, मुल्क का नाम से खाता है अमेरिका, जब उसको डिमार्च नहीं, इजाजत मिली उस वक्त हमें कहा था नाम नहीं लेना क्योंकि मुल्क का ख्याल था, जब उसको ओपनली डिमार्च कर दिया उस साइफर को, उसके बाद मुल्क का नाम। लेकिन शिदत है, पार्लिमानी रवायात को आगे चलाना कायम रखना, इसमें हुकूमत की जिम्मेदारी आप नहीं समझती ज्यादा होती है? देखें, हमने ये सदर का खिताब, आप दोनों इस बात पर तो एग्री करेंगे कि ये एक पार्लिमानी रवायत तो है, एक जुमला में मेरी बात है, ये बतौर सदर आखिरी खिताब भी था मेरा, ये कि ये तो सिस्टम को मानते हैं, हम तो सिस्टम को ही नहीं मानते ना। अच्छा। हम तो सिस्टम को तस्लीम नहीं करते, हम एहतजाजन बाहर हैं, ये तो मानते हैं, खाते हैं उधर का जी।